नमस्कार दर्शकों, लाइव टाइम टीवी में आपका स्वागत है। और मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ रूबरू हैं। राजधानी शिमला सहित पूरे प्रदेश की बात की जाए तो इस समय पूरे प्रदेश में प्रचंड गर्मी यहां पर पड़ रही है। और वहीं पर बात की जाए तो मौसम विज्ञान केंद्र ने भी हीट वेव का, लू का यहां पर अलर्ट जारी किया है। आज के लिए भी मौसम विज्ञान केंद्र ने यहां पर लू का अलर्ट जारी किया है। और वहीं पर प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश में ऊना में कल जो तापमान था वो 45 डिग्री पहुंच गया है और ये 11 वर्षों का रिकॉर्ड यहां पर टूटा है। जी हां, 2013 में इससे पहले 45 से ऊपर 45.2 तापमान यहां पर गया था। और वहीं पर कल 45 डिग्री तापमान ऊना में पहुंच गया है। और राजधानी शिमला की ये तस्वीरें देख रहे हैं, यहां पर भी इस समय मौसम साफ है, लेकिन जिस तरह से हेजी सा मौसम यहां पर इस समय शिमला में लग रहा है, क्योंकि शिमला के जंगलों में बात की जाए तो चारों ओर आग लगी है और जिससे कहीं ना कहीं तापमान में भी कुछ असर पड़ा है। सुनील शर्मा जी, आप पूछ रहे हैं कल से बारिश हो रही है, तो देखिए एक पश्चिमी विक्षोभ यहां प्रदेश में प्रवेश कर रहा है, आसार हैं, लेकिन कल से कुछ राहत यहां मिल सकती है तापमान की बात की जाए, क्योंकि कल से पश्चिमी विक्षोभ प्रवेश कर रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो मौसम विज्ञान केंद्र ने कल से प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। वहीं 30 से लेकर 2 तक यहां मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में यहां पर हल्की बारिश की संभावना जताई है। और इस तपती गर्मी से कुछ राहत मिलने के आसार यहां पर मौसम विज्ञान केंद्र ने जताया है। और आप देख रहे हैं इस समय शिमला की सड़कें खाली खाली सी नज़र आ रही हैं, क्योंकि अगर बात की जाए शिमला में भी अब सुबह से ही चटकदार धूप निकल रही है। लोग यहां पर छाँव का सहारा ले रहे हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं तस्वीरों में। सनम नेगी जी, आपका भी लाइव टाइम सीवी में स्वागत है, गुड मॉर्निंग टू यू। जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं सभी का लाइव टाइम सीवी में स्वागत। और आप जिस तरह से देखते हैं काफ़ी तादाद में पर्यटक इस समय शिमला पहुंचे हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरे नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो मैदानी इलाके तप रहे हैं, काफ़ी प्रचंड गर्मी यहां पर इस समय पूरे नॉर्थ इंडिया में पड़ रही है। और मैं यहां से आपको पहाड़ियों का दृश्य दिखाना चाहूँगा। अगर विजिबिलिटी की बात की जाए, विजिबिलिटी कल से कुछ हद तक बेहतर, लेकिन एक हेजी सा मौसम जो मैदानी क्षेत्रों में बनता है वैसा ही यहां पर कुछ मौसम दिख रहा है, हेजी सा यहां पर नज़र आ रहा है। हरी सिंह जी सुंदरनगर मंडी से, हरविंदर कटोच जी गुड मॉर्निंग टू यू। जितने भी दर्शक हैं सभी का लाइव टाइम्स टीवी में स्वागत है, सभी को शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। और जिस तरह से मैं हेजी मौसम की बात कर रहा था तो आप देख सकते हैं यहाँ पर धुंधला सी तस्वीरें, यहाँ पर अगर दूर तक नज़र दौड़ाएं तो हेजी सा मौसम, धुंधली तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। अगर कल भी हमने आपको यहाँ से लाइव तस्वीरें दिखाई थी, जंगलों की जो आग है उससे उठता धुआं चारों ओर फैला हुआ था। और कल देर रात्रि की भी बात की जाए, हरविंदर कटोच जी गुड मॉर्निंग टू यू, कमल कपिल जी, जय माता की, बिट्टू बेटा जी, सभी का
स्वागत है सारिका ठाकुर जी, गुड मॉर्निंग टू यू सुरेंद्र जी। बारिश कब हो रही है? हैप्पी शर्मा जी आपका भी तो सभी को हेलो सर जी, हैप्पी शर्मा जी सभी को बारिश का इंतज़ार है क्योंकि जिस तरह से गर्मी तप रही है। बिलाल जी हेलो सर, आई एम फ्रॉम कश्मीर, बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए कश्मीर की ठंडी वादियों से भी बिलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो काफ़ी दर्शक इस समय हमारे साथ लाइव स्ट्रीम में हैं। और जिस तरह से बारिश की बात पूछ रहे थे, हाँ तो जी हाँ, कल जो मौसम विज्ञान केंद्र ने संभावना जताई है, ज़्यादा तो कल मौसम ख़राब नहीं हो सकता, लेकिन कुछ इस तापमान से हल्की सी राहत मिलने की यहाँ पर उम्मीद मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई है। ऋतु ठाकुर जी, प्रदीप जी, सभी का, ऋतु जी कांगड़ा से आप हैं, राजेंद्र शर्मा जी गुड मॉर्निंग टू यू, राजेंद्र कमल कपिल जी, जून महीने में तबाही हो गई तांडव, भूस्खलन कसोग में बिल्कुल साफ है मौसम, यहाँ पे भी साफ है। हरी सिंह जी साउथ अफ्रीका ICU लाइव, बहुत बहुत शुक्रिया, कल भी आप जुड़े थे आज भी आप जुड़े हैं। सुमित जी आपका भी स्वागत है फ्रॉम नेपाल, सुमित पुन जी। और देखिए विदेशों से भी हमारे साथ यहाँ पर जो दर्शक जुड़े हैं, और इस समय आप लाइव तस्वीरें शिमला की हसीन वादियों की देख रहे हैं। बाकी मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो शिमला का मौसम यहाँ उसके मुकाबले काफ़ी सुहावना है, लेकिन तापमान की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो पारा है वो 30 तक पहुँच गया है। सुनील नेगी जी हेलो जी, कमल कपिल जी क्लाउड सीडिंग कर देगी बर्बादी, और टीटू बॉब जी नाइस, बिल्कुल जी देखिए ये पहाड़ियाँ हेजी मौसम में, जिस तरह से बात कर रहा था हेजी मौसम चारों तरफ बना हुआ है, और यहाँ से भी देखिए अगर चारों ओर नज़र दौड़ाएंगे। उदय ठाकुर जी गुड मॉर्निंग जी, जुब्बल में भी साफ, माफ़ कीजिएगा जुब्बल से आप सभी को आपका भी स्वागत है 3 तारीख। कमल कपिल जी, आशीष भाटिया जी, लोगों ने जंगल में आग लगा रही है थी कर दिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं बिट्टू चौहान जी। कमल कपिल जी, बिट्टू चौहान जी कब से है बारिश? जी हाँ, तो मौसम विज्ञान केंद्र ने जो कल से यहाँ पर तापमान में कुछ राहत के आसार बताए हैं कि कल से यहाँ प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ जो है प्रवेश कर रहा हो, कल से यहाँ पर तापमान में कुछ राहत मिल सकती है। और वहीं से जो बारिश के सिलसिले की बात की जाए, उसके बाद यहाँ पर हल्की बारिश की भी मौसम विज्ञान केंद्र ने संभावना जताई है। काका राम जी आपका भी लाइफ टाइम सीवी में स्वागत है, सभी का स्वागत है, सभी को शुभ प्रभात गुड मॉर्निंग। जितने भी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, आपका स्नेह और प्यार के लिए यहाँ पर धन्यवाद। और जिस तरह से हम मौसम की बात कर रहे थे, रिकॉर्ड भी टूटे हैं। ऊना की बात की जाए तो ऊना में पिछले कल जो तापमान था वो 45 डिग्री पहुंच गया है, 11 वर्षों का रिकॉर्ड यहां पर पहुंचा है। कुलवंत सिंह ठाकुर जी MP 44 डिग्री बहुत तपरा है। और देखिए हिमाचल में ऊना 45 है। शिवेंद्र परमार जी आपका भी, अंकुश गुप्ता जी हेलो सर, नरेश कालरे जी पंजाब से बेटर होगा सर, बिल्कुल शिमला तो बहुत बेटर है, सुहावना मौसम बोल सकते हैं आप पंजाब के मुकाबले। कमलेश कुमार जी कांगड़ा का क्या होगा भाई, किस तरह से बोल रहे हैं गर्मी के हिसाब से या राजनीतिक गलियारियों की आप बात कर रहे हैं। नीता मेहरा जी प्लीज़ सर आप जंगल में आग लगाने से रोको। सर देखिए मैडम, हम जागरूक कर रहे हैं, ये संदेश जन जन तक, हम आपका सभी का ये कर्तव्य बनता है कि जन जन तक ये संदेश पहुँचाए, लोग जागरूक हो। जिस तरह से कल तस्वीरें हमने यहाँ से आपको राजधानी शिमला से दिखाई थी, चारों ओर धुआं ही धुआं उठ रहा था, धुएं के आगे भौरंच 40 संदीप जी, दीपांशु बॉक्सर जी सिरसा हरियाणा से राम राम, आपको भी राम राम जी। संतोष चौहान जी राम राम जी, तो सभी को राम राम, जय श्री राम, जय हनुमान, सभी का स्वागत है लाइफ टाइम्स TV में और इस मौसम की अपडेट में। और ये तस्वीरें हमने आपको यहाँ से वादियों की दिखाई, हेजी मौसम बना हुआ है। और ललित गौतम जी गुड मॉर्निंग टू यू, और जिस तरह से बात कर रहा था मैं यहाँ पे ऊना की, ऊना में यहाँ पे 45 डिग्री से पहुँच गया है तापमान, 11 वर्षों का यहाँ पर रिकॉर्ड टूटा है। और हम आपको बता दें कि इससे पहले 2013 में यहाँ पर 45 से अधिक तापमान गया था, उसके बाद कल, पिछले कल 45, और ऊना की बात की जाए, ऊना और पौंटा में
अब स्कूल बंद है, सोमवार को वहाँ पर स्कूल खुलेंगे क्योंकि चलचलाती गर्मी, प्रचंड गर्मी के चलते यहाँ पर स्कूलों को बंद कर दिया गया। शिशुपाल खून जी, गुड मॉर्निंग टू यू। पिंकू ठाकुर जी, आपका भी स्वागत है। और राजधानी शिमला की ये तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं और मौसम की अपडेट लेकर आए हैं। और जिस तरह से राजधानी शिमला की बात की जाए तो यहाँ पे हेजी मौसम बना हुआ है। आप देख रहे हैं लोग यहाँ पर छाते का सहारा ले रहे हैं क्योंकि सुबह से ही शिमला में भी अब गर्मी बढ़ जाती है। वीर सिंह जी, सर हमारा जंजेली मंडी का टेम्परेचर भी 32 डिग्री पहुंच गया। 32 डिग्री मतलब शिमला के लगभग ही है, शिमला में भी 30.4 तक गया है और रविवार की बात की जाए तो सबसे अधिक 30.6 तक गया था और 10 वर्षों का रिकॉर्ड शिमला में भी टूटा था। हरी सिंह जी, जाकू टेंपल से भी लाइव हो जाओ। बिल्कुल जी, हम प्रयास करेंगे कि आपको जाकू बजरंग बली के भी दर्शन कभी करवाएं वहाँ पर जाकर। बीच बीच में समय समय पर हमारा प्रयास रहता है, हम कोशिश भी करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने कहा तो हम अवश्य वहाँ पर जाएंगे। अशोक पाल जी, सुमित ठाकुर जी, फागु में 29, शिमला से कम। रघुवंशी जी, राजधानी में आज का अधिकतम तापमान कितने तक जाने की संभावना जी? देखिए 30 तक तो पहुंच रहा है यहाँ पे तापमान। और जिस तरह से आप इस समय रज मैदान की भी तस्वीरें देख रहे हैं, रज मैदान खाली, वेद प्रकाश जी, बीबीएन टेम्परेचर बद्दी का क्या है जी? बीबीएन के अगर टेम्परेचर की बद्दी की बात की जाए तो देखना पड़ेगा मुझे, मौसम विज्ञान केंद्र ने जो अपडेट दी है उसमें मुझे बीबीएन का टेम्परेचर देखना पड़ेगा। प्रकाश चंद जी, गुड मॉर्निंग टू यू। क्षमा कीजिएगा, मौसम विज्ञान केंद्र ने बीबीएन बद्दी का टेम्परेचर यहाँ पर उपलब्ध नहीं करवाया है, लेकिन जैसी ही अपडेट होगी। वेद प्रकाश जी जी, बीबीएन टेम्परेचर अभी पता नहीं है, हम आपको जैसे ही अपडेट होती है बताएंगे। राजधानी आज का अधिकतम तापमान कितना तक जाने की संभावना है? दिलीप वर्मा जी, गुड मॉर्निंग टू यू, गुड मॉर्निंग। जोगिंदर सोनी जी, गुड मॉर्निंग टू यू। और आप देख रहे हैं लोग यहाँ पर छाते का सहारा ले रहे हैं। और आज के लिए भी मौसम विज्ञान केंद्र ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। कमल कपिल जी, NWO, WTO, CBDC, स्टार लिंक, क्लाउड सीडिंग का खेल समझो। जी हाँ, और जिस तरह से मैं बात कर रहा था, आज के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने हीट वेव यानी लू का अलर्ट यहाँ पर, वाटर टेम्परेचर एट रामपुर। जोगिंदर सोनी जी,
ये जितने टेम्परेचर है मैं एक बार दोहरा दूंगा जो मौसम विज्ञान केंद्र ने उपलब्ध करवाए हैं, मैं आपके साथ साझा करता हूँ। ज़रा मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। हाँ तो यहाँ मौसम विज्ञान केंद्र ने जो टेम्परेचर उपलब्ध करवाए हैं तो मैं आपको बता दूं, शिमला में जो है 30.4, सुंदरनगर में 40.6, भुंतर में 37.8, कल्पा में 25.8, धर्मशाला में 36.8, ऊना 45, नाहन 38.9, केलांग 21.7, पालमपुर यह है नहीं सोलन 37, मनाली 28.8, कांगड़ा 40.8, मंडी 40, बिलासपुर 43.3, हमीरपुर 42.7, चंबा 40.6, डलहौजी 28.2, जुबड़हट्टी 34 और कुकुमसेरी ये आया नहीं है, नारकंडा में 24.8, भरमौर में 29, रिकांगपियो में भी 31 तक टेम्परेचर पहुंच गया है और बाठी में 41, कसौली में 35, पौंडा साहिब आया नहीं है, ताबो में भी 23 पहुंच गया है और देहरा ये भी नहीं आया, सेंज में 34। तो ये टेम्परेचर मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं जो हमने आपके साथ साझा किया, और जैसे ही आप बाकी टेम्परेचर्स की भी बात करें जैसे उपलब्ध होंगे हम अपडेट करेंगे। हाँ आज के लिए जो मैं हीट वेव की बात कर रहा था, मौसम विज्ञान केंद्र ने आज के लिए भी हीट वेव का अलर्ट जारी किया है और वहीं पर आने वाले दिनों की बात की जाए तो कल से कुछ यहाँ पर तापमान में राहत मिलने के आसार हैं, संभावना ही यहाँ पर मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई है और पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश में प्रवेश कर रहा है जिससे तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है और वहीं पर अभी जो तापमान बात की जाए तो सामान्य से 4 से 5 डिग्री और कुछ क्षेत्रों में 6 डिग्री तक यहां पर सामान्य से अधिक तापमान चल रहे हैं और वहीं पर कल से यहां मौसम विज्ञान केंद्र जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ प्रवेश कर रहा है कुछ संभावना जताई है, प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की यहां पर संभावना जताई है। कमल कपिल जी आप काफ़ी हद तक सही भी फरमा रहे हैं, बारिश होना भी ज़रूरी है, गर्मी पड़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि बात की जाए सभी ऋतुओं की या प्रकृति की तो समय के साथ बदलाव बहुत ज़रूरी है, गर्मी का होना भी बहुत आवश्यक है और वहीं पर सर्दी का होना भी समय पर और बारिश का होना भी आवश्यक है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, समय के साथ साथ जिस तरह से समय का पहिया घूमता है तो यहाँ पर समय के साथ हर एक ऋतु में उस तरह के बदलाव होना बहुत आवश्यक है। तो मैंने इस मौसम ब्रेक में आपको राजधानी शिमला की तस्वीरें दिखाई और आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा उससे अवगत करवाया। तो अभी तक के इस मौसम की अपडेट में इतना ही, आप सभी लोगों का प्यार और स्नेह के लिए हार्दिक आभार, फिर मिलेंगे नई खबर नई जानकारी के साथ, मैं शिमला से विक्रांत, अभी इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।